once again welcome back to my channel Laku Vlogs. Hope you guys are doing good. अपना भी सही चल रहा है. तो last day जब मैं आया था पाचे यामाहा में सर्विसिंग का सामान लेने के लिए अपने बाइक का, तो उससे मैंने ना वहाँ पे FZ देखी थी वर्जन 3. तो मैंने उनसे बात किया था कि मेरे को उसकी टेस्ट राइड लेनी है, तो उन्होंने बोला आप कल आ जाओ तो आपको टेस्ट राइड मिल जाएगी. तो अभी वहीं चल रहे हैं, वहाँ जाके अभी टेस्ट राइड लेते हैं बाइक की टेस्ट राइड ले लेते हैं. उनसे मैंने सुबह बात किया था फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ आज आ जाओ, बाइक अवेलेबल है, सब कुछ उसका सेट है, तो आप आके चला लो, मैं आपको वीडियो बनाना था बना लो. तो यहाँ से राइट लेके आ जाएगा, तो ये रहा टूवर्ड्स माई राइट साइड. तो चलते हैं अभी. तो गाइस बाइक देखने में कैसे लगी? बाइक बहुत सुंदर निकाली एंड अभी मैं ले रहा हूँ उसका टेस्ट राइड लेके मैं बता दूंगा कैसी है क्या है. टेक्निकली ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला, मैं बस सिंपल बताऊंगा अच्छी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. सो गाइस ये बाइक बैंगलोर में आपका 1,18,000-19,000 के आसपास पड़ रही है एंड और सिटीज़ का डिपेंड करता है कितना रोड टैक्स है. तो आप इसको ऑनलाइन साइट्स में देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि क्या प्राइस दे रहा है कैसा है. सो ᴡᴇʟᴇʟ एंटरप्राइज़ में मेरे को मिली है ये टेस्ट राइड करने के लिए FZ. तो अभी चलाते हैं फिर बताते हैं कैसी है बाइक. तो चलते हैं. ऑन करने का जो स्विच जहाँ पे दिया बहुत सेक्सी लगा मेरे को. वाओ, तो चल पड़ी बाइक एंड अभी चला के देखते हैं कैसी है. वाओ सेक्सी है बाइक, चलाने में तो बहुत सेक्सी है. जो बैठने का सीट है वो बहुत सही जगह है एंड बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत कंफर्ट है. मेरे को इसमें बैठने का ड्यूक वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी, नॉट कंपेयरिंग विद दैट बट जस्ट टेलिंग कि सीट फीलिंग वैसी है एंड बाइक चलाने में बहुत ऑसम है सच में, एक अलग फील आ रही है. एंड हाँ गाड़ी अच्छी है, पावर वाइज बहुत अच्छी लग रही है, इनिशियल पिकअप भी अच्छा है. एनी वेज यामा है तो इनिशियल पिकअप अच्छा ही होगा गाड़ी का, ऐसा तो नहीं है कि यामा इनिशियल पिकअप ख़त्म कर देगा. गाड़ी की पिकअप बहुत अच्छी रखी है, ABS भी दिया हुआ है इसमें, तो बाइक बहुत सुंदर लग रही है चलाने में. तो मेरे को FZ25 वाली फीलिंग 95% FZ25 वाली फीलिंग है. हम था देखा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से निकल गया उसके ऊपर से. थोड़ा सा हाइट ज़्यादा लग रहा है बैठने का सीटिंग पोजिशन के हिसाब से, बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है इस में बैठने में, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है. स्विच सिर्फ एक दिया हुआ है, इंडिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे RPM का है, यहाँ पे फ्यूल का है और किलोमीटर्स का है. फिर से इन लोग का एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ गियर इंडिकेशन फिर से मिसिंग पड़ा है. और बाकी इंडिकेटर की लाइट वहाँ पे जलती है, हाई बीम यहाँ पे है. पासिंग का बहुत सही लगा, पासिंग लाइट जहाँ पे दिया है इंस्टेड ऑफ आगे की जगह नीचे कर दिया, बहुत सुंदर है वो. एंड डबल डिस्क है तो गाड़ी चलाने में ज़्यादा सेफ भी फील है इस बाइक पे तो और ज़्यादा. मैंने एक्चुअली इसको पहले एक दिन चलाई थी पर बहुत कम चलाने को मिला था, अभी थोड़ा ज़्यादा चलाने को मिला, तो मेरे को एक्सपीरियंस में अच्छे से बता पा रहा हूँ कि कैसी है. ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, शॉकर बहुत अच्छा है. बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि बैठने का जो सीट दिया हुआ है बहुत सही है, मज़ा आ रहा है. इंडिकेटर्स वही सेम वाले दिए हुए, आप इंडिकेटर्स चेंज करा लो अगर आपको कराना है तो. बाद बाकी बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है. तो वापस मैं आ गया एंड मैं दिखा देता हूँ बाइक की जो लाइट की जो लुक दी है ना, बहुत सुंदर दी है एंड बहुत सही है. इवन आप देख सकते हो नीचे में यहाँ पे लगा के दिया है,
आपका गार्ड लगा के दिया जैसे वहाँ पे सेफ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑल्सो पीछे से हॉट लुक देने के लिए यहाँ का मिरर आप देख सकते हैं वहाँ पे, इतना बड़ा है वेयर एज यहाँ पे छोटा है, एंड गार्ड दिया हुआ है टायर का जैसे कीचड़ उड़े नहीं ऊपर, एंड बहुत सही लग रहा है। डिस्क यहाँ पे दिया हुआ है। सो बात करते हैं कि ये बाइक वर्थ करती है, तो आई वुड से हाँ वर्थ करती है, क्योंकि आपको ABS मिल रहा है एंड 150cc है। माइलेज नहीं तो नहीं, आपको 40 टू 45 के बीच में देगी बाइक। लिटिल चीपर देन आपका ड्यूक 125, बहुत डिफरेंस है ड्यूक 125 और इसका में। एंड पावर वाइज मैंने आपको दिखा दिया, तो पावर बहुत अच्छी है बाइक की। तो ओवरऑल आई वुड से कि हाँ वर्थ करती है ये बाइक, ले सकते हैं, इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आपका 1,20,000-1,30,000 रुपये का बजट हो तो आप ये बाइक ले सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये बाइक का। इसके साथ आप कंपेयर करते हैं पल्सर 200 NS, तो आप वो देख सकते हैं। खैर वो थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब CC वाइज ज़्यादा है, पावर्स में ज़्यादा है होगा ऑब्वियसली, पर अगर आप देखते हैं 150cc में, तो आई वुड से कि ये बाइक बहुत बेटर है ज़िक्सर और 160 RTR से भी अगर कंपेयर करते, तो आई वुड से कि आप इसी के लिए जाए, क्योंकि इसकी लुक बहुत बीस्ट जैसी बनाई है, पावर बहुत अच्छा है, सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बाइक ओवरऑल मेरे को बहुत पसंद आई, एंड अगर मेरे पास कुछ अच्छा डील मिले कि मैं इसको उसके साथ एक्सचेंज कर सकूँ, तो डेफिनेटली मैं कर लूँगा। एंड आप सामने देखिए ये गाड़ी, क्या बताऊँ मैं, इतने दिनों से ये गाड़ी दिख रही थी, मैं सोच रहा था कब कैमरा में कैप्चर करूँगा, फाइनली कैप्चर कर लिया। इतनी सेक्सी लग रही है, येलो कलर में लिया है तो और सुंदर लग रही है ये गाड़ी, GT। बैंगलोर में स्पोर्ट्स कार्स और ऐसे गाड़ियाँ बहुत दिखती है, कभी कभी हमारे कैमरे में भी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है, पर जब जब आँखों को दिखती है तो आँखों को सुकून मिलता है, क्योंकि एक अलग फील होती है यार, बहुत मोटिवेशन भी मिलती है कभी कभी कि कुछ करे ऐसा और मिले हमें भी, हम भी खरीदें वैसी गाड़ियाँ। एंड उस बाइक को चलाने के बाद अभी जब मैं ये बाइक चला रहा हूँ, मेरे को रात दिन का फ़र्क फील हो रहा है। उसकी ऊपर है थोड़ी सी हैंडल, इसकी हैंडल थोड़ी नीचे है। प्रकाश कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यामा ने सच में बहुत अच्छा काम किया उस बाइक पे। सो गाइज यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जैसे आपको इस टाइप के और वीडियोस आप मिस ना करें, एंड बेल आइकन ज़रूर हिट कर लेना। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं बहुत कुछ अपलोड करता रहता हूँ और स्टोरीज में बहुत फ़नी डालता ही रहता हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। तो सी यू देन, साइनिंग ऑफ अकू व्लॉग्स, बाय बाय टाटा, टेक केयर।